अब 90s का दौर आते आते गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे जिनको लेकर चारों तरफ उनकी ही दीवानगी देखने व सुनने को मिलती ही रहती थी। गोविंदा ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। गोविंदा बॉलीवुड के ऐसे भी कलाकारों में से एक हैं जिनके अंदर काम की भूख थी, क्योंकि गोविंदा के आर्थिक हालत एक समय बहुत ज्यादा खस्ता हो गए थे और उन्होंने कसम खा ली थी कि अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। और यही बड़ी वजह थी कि गोविंदा एक साथ दिन भर में 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सुबह की शिफ्ट वो भले ही शाम को पूरा करते थे, लेकिन किसी भी निर्माता निर्देशक को वो बिल्कुल भी निराश नहीं होने देते थे। तभी तो बड़ी वजह थी कि गोविंदा 90s के दौर आते आते एक ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जिन्हें हर कोई निर्माता निर्देशक अपने फिल्मों में कास्ट करना चाहता था, क्योंकि गोविंदा का मतलब हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। और 90s के दौर में गोविंदा ने बैक टू बैक कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। लेकिन बात करें आज मौजूदा दौर की, तो गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। लेकिन सबके बावजूद उनके चाहने वाले आज भी ये कयास में लगे हुए हैं कि शायद जल्द ही वो एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर एक बड़ी हिट फिल्म के जरिए एक दमदार वापसी करेंगे। अब गोविंदा के अगर करियर की तरफ डालेंगे तो गोविंदा को लेकर कई सारे ऐसे भी दिलचस्प किस्से रहे जिन किस्सों को सुनने व जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। अमूमन कोई भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसे कामयाबी मिलती है या फिर वो बर्बाद हो जाता, लेकिन गोविंदा के साथ कुछ अलग हुआ। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साल 1986 में आई फिल्म लव 86 के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म पाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कतों से गुजरना भी पड़ा। कई किस्से कहानियां मौजूद हैं। बताया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म के लिए राजी नहीं हुए तो ही गोविंदा संघर्षों के दौर से गुजर रहे थे। गोविंदा अपने डांस की कैसेट्स तमाम निर्माता निर्देशकों को भेजा किया करते थे और ऐसी ही उनकी किस्मत खुल गई और उन्हें पहली डेब्यू फिल्म मिल गई। लेकिन पहली डेब्यू फिल्म के साथ उनकी किस्मत ने भी दस्तक दी। शुरुआती दौर में गोविंदा ने डिस्को डांसर फिल्म देखी और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के एक्टिंग से प्रभावित होकर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ डांस की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था और खुद के वीडियो कैसेट्स बनाकर फिल्म मेकर्स तक भेजा किया करते थे। और बताया जाता है कि गोविंदा का पहला लीड रोल उनके अंकल आनंद की फिल्म तन मदन में था। साल 1985 की बात है जब जून के महीने में गोविंदा ने फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की थी और जुलाई आते आते उन्होंने करीब 40 फिल्में साइन भी कर ली थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। ऐसा कारनामा करने वाले वो एक पहले भारतीय अभिनेता थे और शायद आखिरी भी होंगे। लेकिन लव 86 उनकी पहली डेब्यू फिल्म नहीं साबित हुई। भले ही उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत पहले कर दी थी, लेकिन गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म इल्जाम को माना गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साल 1986 की पांचवी हिट फिल्म बन गई थी। फिल्म का स्ट्रीट डांसर वाला गीत उन दिनों सबकी जुमा पर छा गया था और रातों रात गोविंदा डांसिंग स्टार भी बन गए थे, क्योंकि उस दौरान में डांसिंग कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और डांसिंग के मामले में मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान काफी ज्यादा फेमस थे और इल्जाम फिल्म के लिए उन्हें ही साइन किया गया था। लेकिन इल्जाम फिल्म को उन्होंने जब डेट्स का हवाला देते हुए मना कर दिया तो ये फिल्म गोविंदा के झोले में आ गई थी। अब गोविंदा के पास फिल्मों की लंबी कतारें थी और उन्हीं फिल्मों की शूटिंग में वो काफी मस्त भी रहा करते थे। और 90s का दौर आते आते गोविंदा के पास इतना ज्यादा स्टारडम आ गया था कि उस स्टारडम के आगे बड़े से बड़े सुपरस्टार भी फीका नजर आता था। लेकिन यहाँ पर गोविंदा ने बेवकूफियां करनी शुरू कर दी। अब गोविंदा अपने लेट लतीफी के दौरान एक समय काफी ज्यादा बदनाम हो गए थे और इसकी वजह से उस दौरान के उनके को-स्टार और तमाम निर्माता निर्देशक भी काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। इसके साथ ही जब 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर सांसद भी बने तो उनकी किस्मत ने ही दगा दे दी। हालांकि 2 साल के भीतर ही उन्होंने एक बार फिर से फिल्मी करियर में कमबैक किया और अक्षय कुमार के साथ भागम भाग फिल्म में अपना अहम किरदार निभाया, लेकिन सबके बावजूद उन्हें उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी आस लेकर उन्होंने राजनीति से दोबारा बॉलीवुड में अपना कदम रखने की सोची थी। इतने नहीं, गोविंदा ने कई सारी और भी गलतियां की हैं। बताया जाता है कि एक वक्त पर गोविंदा को गदर एक प्रेम कथा, ताल और देवदास जैसी सफल फिल्मों का ऑफर भी मिला था, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा ने सभी फिल्मों को करने से मना कर दिया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो गोविंदा एक लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए। आखिरी बार उन्हें 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि 2022 के अंत में वो एक बड़ी फिल्म के साथ एक दमदार वापसी करने के लिए तैयार हैं और ये संजय गुप्ता की एक बिग बजट वाली फिल्म होने वाली है। बताया जाता है कि शूट आउट एट बाईकुला में गोविंदा की एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो गोविंदा एक बड़ी फिल्म के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए बड़े पर्दे पर जल्दी हाजिर होंगे।